नमस्कार, हम आप सभी का स्वागत करते हैं एमएच चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। पेटीएम सैयद मुश्ताक अली जोनल लीग यहां खेली जा रही है और आज इसका आखिरी दिन है और आज पहला मुकाबला गोवा का कर्नाटका के साथ। और ये साफ नजर आया कि क्यों खिलाड़ी को स्लिप पे रखा गया है। भाग्यशाली रहे, गैप मिल गया यहां, इतना बढ़िया टाइम नहीं तो किया नहीं था। Beautiful shot for four. That's pulled away. There is a fielder in the deep, but he's just a spectator. Aur third man ki godi mein. Badhiya wapsi ya Srinath Arvind ki. Badhiya shot. Bahut hi badhiya shot yahan. For a long time and capitalize on this. Missed opportunity from Karnataka. Oh, nice shot. That's running away to the third man boundary. Bit of extra bounce. In the air. This should be caught. Oh, brilliant catch. We've seen some outstanding catches in this tournament. That's a classic shot. A square cut to the boundary. Survived it, but this time is quick on his feet to latch on to that. Yeah, very true, very true. In the meanwhile, he's got another boundary. Catch! Yeah, taken away. Oh, what a catch that one! Toe end of the bat, and he was looking to work to long on for a single. That's cut away for four. Don't bother running. Cut away. Will it get to the fence? Yes, it will. Very poor shot. And you'll pay the price. Fourth one going down for Goa. Another wicket falls. इस तरह के कुछ शॉट्स खेलेगी तो फिर मैच में बनी रहेगी, फिर मजा आएगा। एक और विकेट, तीसरी विकेट यहां श्रीनाथ अरविंद को। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद। Oh, that's running away down to third man. This one's gone. Edge and then it carries. He's really having a good time with the ball. Picks up a wicket of the last ball of the innings. एक बार फिर सबसे सफल गेंदबाज कर्नाटक के लिए साबित हुए श्रीनाथ अरविंद। गोवा निराश होगी, 20 ओवर में सिर्फ 120 बनाने में कामयाब हुई। तो कर्नाटका को इस मैच को जीतने के लिए 121 रन चाहिए। वहां ना जाइएगा जो सबसे नीचे है, 6.05 की दरकार है, पर उससे कहीं ज्यादा तेजी से इन रनों को बनाना चाहेंगे। सो इट्स द फर्स्ट बॉल इन दिस रन चेस ओवर द टॉप, फोर रन्स, एज सिंपल एज दैट। खराब गेंद के लिए तो आप फील्ड रख ही नहीं सकते। पहला गेंद ऑफसाइड के बाहर डाला था, उसको सुधारने की कोशिश में बहुत ज्यादा अंदर डालने की कोशिश। टाइम इतना अच्छा हुआ कि जो एक खिलाड़ी सिर्फ वहां बाहर खड़ा था, सीधा उसकी गोदी में जोर से बल्ला घुमाया और इसीलिए आए हैं। चार मिलेंगे। There he goes again. Intentions clear, results clear as well. Four more. Kharab gend. And then it would be a little bit of a problem, but in the meanwhile, Karnataka are making mockery of this Goa attack. अच्छा, और ये इस तरीके की बल्लेबाजी है। कि ये छह रन है कि चार, छह हैं। कैच इज द कॉल एंड द मैन इन द डीप टेक्स इट। विनय कुमार नहीं रुकेंगे।
swept and into the gap. Another boundary. बाउंड्री की आवश्यकता थी क्योंकि अभी तक बहुत बढ़िया ओवर था ये. ये लीजिए हो गया काम, हो गया काम करुण नायर का एक बार फिर. Catches the call, man getting under it, and it was just a lob down to long off. Lovely shot, that's going over the rope. एक बार फिर, लेकिन इस बार एक टप्पा पड़ के गेंद बाहर. Oh, that's straight down into the side screen. Bang. चलिए छह और जोड़ लीजिए उसमें. लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं देशपांडे. लीजिए लीजिए एक और छक्का. नो स्टॉपिंग. जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है ना, इनको रोकना बहुत ही मुश्किल. ये बात हम यहां पर जरूर कर रहे थे कि, लेकिन क्या बल्लेबाज को ये पता था कि अगर आप पांच रन या तीन रन और ज्यादा बनाते तो उससे जो आपकी रन रेट है उस पर फर्क पड़ सकता था. तो कर्नाटका छह विकेट से आसानी से इस मैच को जीत गई है.